आज मैं आपको एक मल्टीमीटर के रहस्यों के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो मल्टीमीटर होता है वो किस तरह से काम करता है और इसमें क्या क्या फैक्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक मल्टीमीटर को। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये आपने देखा होगा मार्केटिंग में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आजकल जो यूज हो रहे हैं वो डिजिटल मल्टीमीटर यूज हो रहे हैं। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे चलता है और कैसे, आज मैं इसको आपको खोल के भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, जो ये मीटर होता है वो आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो, ये खराब नहीं होता। लेकिन अगर आप इसे नीचे अगर ये बाई चांस नीचे गिर जाए या फिर आपके हाथ से छूट जाए तो ये फिर कभी चलता ही नहीं गिरने के बाद। ये इसका फैक्ट है। और सेकंड फैक्ट ये है, अगर आप ये नॉर्मली चला जाओ बिना सेफ्टी के साथ, अगर इसे आप चलाए जाए तो ये चलता ही रहता है हमेशा के लिए, कभी डाउन नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें कौन सी बैटरी यूज होती है जो आपको चार्ज भी नहीं करनी होती और ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है। तो आज हम इसको खोल के देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी एसी करंट और डीसी दोनों को नापता है और इसमें कितने भी वोल्ट आप मेजर कर सकते हो, एसी भी और डीसी भी, एम्पियर भी, वोल्टेज भी। और ये इसकी लीड होती है जो इसके साथ आती है मीटर को चेक करने के लिए। तो आज हम इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर से। तो आप सब देख सकते हैं इसमें दो बैटरी लगी हुई होती है, इधर इसके अंदर इतना ही होता है और बाहर से ऐसा होता है। एसी को मेजर करने के लिए इसमें इधर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये कुछ ये वाले, और डीसी को मेजर करने के लिए इसमें इधर रेजिस्टेंस लगे हुए, इधर डीसी मेजर होती है, डीसी वोल्टेज, इधर एसी वोल्टेज, और इधर डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज मिली एम्पियर में नापी जाती है, और कुछ इसके ये वाले फंक्शन है रेंज बढ़ाने के लिए। बस इसमें इतना ही होता है। और ये बहुत कम यूज़ होता है और बहुत कम बैटरी यूज़ होती है, इस वजह से इसमें बैटरी डाउन नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही कम जो वो लेता है वोल्टेज, बहुत ही वोल्टेज पे चलता है, बहुत ही कम वोल्टेज पे, इस वजह से इसकी बैटरी डाउन नहीं होती। बस इसमें इतना ही होता है।